हे डैड चंगी तरह खेड़ी चैंप एनी डाउट किड़ा खेड़ी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुके दाग ले है सर्फ एक्सेल मैटिक हुन नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विची एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक गुरुकुल लाडवा में वार्षिक महोत्सव का हुआ आयोजन। गुरुकुल लाडवा खरकाली में बुधवार को वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णकांत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी नागरिक अस्पताल लाडवा ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बी के कालिया, आयकर अधिकारी राकेश सहारन, एसडीओ कृषि विभाग डॉक्टर अशोक जांगड़ा, प्रोजेक्ट अफसर इंडो इजराइल फ्रूट सेंटर लाडवा मौजूद रहे। कार्यक्रम में गुरुकुल के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर समा बांधा। गुरुकुल लाडवा के चेयरमैन डॉक्टर अमन पंजेटा व प्रिंसिपल आशा चौधरी की देखरेख में आयोजित हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने देशभक्ति के गीत गाकर व प्रस्तुति पेश कर सभी को देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने मलखम्ब के माध्यम से शानदार प्रस्तुति दी। वहीं विद्यार्थियों ने योग को लेकर सभी को स्वस्थ रहने की विधि बताई। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले विद्यार्थियों व स्कूल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कृष्णकांत एसएमओ लाडवा ने कहा कि गुरुकुल लाडवा में बच्चों को भारतीय सभ्यता के अनुसार अनुशासन में रहकर शिक्षा प्रदान की जा रही है। गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, जिस कारण आज गुरुकुल के बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर चेयरमैन डॉक्टर अमन पंजेटा, सतबीर लालर, यतेंद्र वर्मा चेयरमैन गीता कॉलेज, रोटरी क्लब रादौर की ओर से आगामी प्रधान हरजीत सिंह, भारत माटिया, अमित पंजेटा, मलखान सिंह सडूरा, लॉयन क्लब के प्रधान सौरव सैनी, नवीन सिन्हा, मास्टर तिलकराज, राकेश कलसाना, रविंदर जोगी माजरा, आशा चौधरी, चौधरी रणधीर सिंह, सतबीर सिंह, अमित पंजेटा, सचिन आर्य, अनुज मान आदि उपस्थित रहे। कुरुक्षेत्र से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और खासकर जो अभिभावक हैं उनका और यहाँ के गुरुकुल के सभी स्टाफ का, जो प्राचार्य हैं यहाँ पर, जो अध्यापक हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया है, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, जैसे कि अभी वक्ता बोल रहे थे कि लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत करता है, तो इन बच्चों को आप प्रशिक्षण देखिए कि आम जीवन में अगर हम किसी घर के बच्चों को देखें तो वो इतने मजबूत सुदृढ़ नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। तो गुरुकुल का जो आचरण है और जो रहन सहन है और जो संगठन है, अनुशासन है, वह राष्ट्र के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। इन अभिभावकों का मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेजा है। आजकल का दौर हमने देखा होगा कि घर में जो बच्चों को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, बच्चे इतने सुधरण नहीं बन पा रहे हैं या अपने परिवार तक ही सोचना सीमित रखते हैं, परंतु गुरुकुल में जो शिक्षा मिलती है उसका मकसद एक अच्छे राष्ट्र की संरचना करना है। ये बच्चे आपने देखे होंगे किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, बहुत कामयाब हैं, और आपने देखा होगा कि बड़े सभी को अपने जीवन में इन सभी की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर साहब ने बस समय निकाल कर यहाँ पे आए और काफ़ी समय दिया, जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा समय दिया, इसलिए हम आपका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर साहब। और मैं